स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम सीखेंगे कि जब हाइड्रोकार्बन्स में फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, तो इसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं रूल फॉलो करेंगे। रूल कैसे, पहले हम चेक करेंगे कार्बन नंबर, सेकेंडली हम चेक करेंगे बॉन्ड सिंगल है डबल है कि ट्रिपल, थर्ड हम चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप, सो कार्बन नंबर का हम प्रीफिक्स लगेगा अगेतर लगेगा, बॉन्ड अगर सिंगल है एन लगेगा, डबल है ईन लगेगा, ट्रिपल है आइन, फिर फंक्शनल ग्रुप का सुफिक्स लगेगा। तो जैसे फर्स्ट है, चेक करिए कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज़ होता है, मिथ। तो अगर हम इसे ओपन करके लिखेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन 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 ओ एच, तो सभी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन मिथेन। अभी जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ हाइड्रोक्सी ओ एच, तो इसे हम सफिक्स लगाते हैं इसका ओल, यहाँ से ई हटा देंगे तो नेम बन गया मिथेनॉल। सेकंड चेक करते हैं सी एच थ्री, इसे ओपन करके लिख लेते हैं सी एच थ्री कार्बन डबल बॉन्ड ओ एच। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बट हम जो डबल बॉन्ड चेक करते हैं दैट इज़ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी नेमिंग पे ये फंक्शनल ग्रुप है। तो अभी कितने कार्बन है, टू, तो टू कार्बनिक के लिए क्या यूज़ होता है, इथ। सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड सी एच ओ, तो अल्डिहाइड का सुफिक्स क्या लगता है, अल, तो यहाँ से ई हटाएंगे तो नेम हो गया इथेनल। थर्ड टू कार्बन है, टू कार्बन के लिए इथ, इसे एक्सपेंड करके लिखेंगे ओ एच, तो टू कार्बन है, सभी सिंगल बॉन्ड है, एन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज, इसका क्या लगता है, सुफिक्स ओएक एसिड, तो यहाँ से हम ई हटा देंगे इथेनोइक एसिड। तो अभी यहाँ पे हैलोजन आ गए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इनका जो लगता है प्रीफिक्स लगता है, तो कार्बन कितने हैं, एक मिथ, सिंगल बॉन्ड है सारे इथेन। अभी फ्लोरीन का क्या लगेगा, फ्लोरो मिथेन, क्लोरीन का क्लोरो मिथेन, ब्रोमीन का ब्रोमो मिथेन, आयोडीन का आयडो मिथेन। अभी यहाँ पे नेक्स्ट सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, ये जो ग्रुप है दिस इज कीटोन ग्रुप, तो कार्बन कितने, वन टू थ्री, थ्री कार्बन के लिए प्रॉप, सभी सिंगल बॉन्ड है, ये चेक नहीं करना, कार्बन कार्बन के बीच में चेक करना है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका ओन लगता है सुफिक्स ओन, तो ई कैंसिल प्रोपे नॉन, ये इसे जनरली हम एसीटोन बोलते हैं, जनरल नेम जो नेल पॉलिश रिमूवर में यूज़ होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट कुछ मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, वो आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एक दो मैं सॉल्व करवाती हूँ, एच सी ओ ओ एच, और अगर यहाँ पे हो एच सी एच ओ सी एच थ्री सी एच टू और सी एच टू ओ एच, अब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू एफ सी एल लिख लेते हैं सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच ओ, तो इसकी कैसे नेमिंग कर सकते हैं, एक कार्बन है तो एक के लिए मिथ, सभी सिंगल बॉन्ड है, एन सी ओ ओ एच लगा हुआ है,
ओएक एसिड, मिथे नोएक एसिड, एक कार्बन मिथ सिंगल बॉन्ड एन एल्डिहाइड ग्रुप मिथेनल। अभी कितने कार्बन हैं? तीन कार्बन, प्रॉप ओपन करके जब लिखेंगे तो सिंगल बॉन्ड ही होंगे सारे, एन, तो इसके लिए सुफिक्स ओल। अब जब डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कितने हैं? तीन, तीन के लिए प्रॉप। अभी डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड ईन लग जाएगा, प्रोपीन, बट यहाँ पे क्लोरीन भी है, सी एल सी ए सी को कार्बन मत समझ लेना, ये सी एल क्लोरीन है, ठीक है जी। तो इसका क्या लगता है? प्रीफिक्स दैट इज क्लोरोप्रोपीन, डबल बॉन्ड आ गया ना। अब सिमिलरली कार्बन कितने हैं? वन टू थ्री फोर, फोर के लिए क्या यूज़ होता है? ब्यूट। अभी इस कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? डबल बॉन्ड के लिए यूज़ होगा ईन। कौन सा ग्रुप लगा है? एल्डिहाइड, तो ए एल उसका सफिक्स, तो ब्यूटिनल, ठीक है जी। इस तरह नेमिंग कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू ओ एच, सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी ओ ओ एच, थर्ड वन सी एच थ्री, सी एच टू, सी एल, फोर्थ सी एच थ्री, सी ओ, सी एच टू, सी एच थ्री, फिफ्थ सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी ओ ओ एच। ये पांच आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अगर बाय चांस ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो यहाँ पे सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ ट्रिपल बॉन्ड की, सी एच थ्री, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी ओ एच, और ऐसे ही अगर मैंने कंसिडर कर ली एग्जांपल, तो कितने कार्बन है? थ्री कार्बन, प्रॉप, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, उसके लिए आइन, ओ एच लगा है, ओल, प्रोपाइनॉल। तो ऐसे हम नेमिंग कर सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। सो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, रासायनिक गुण ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।